हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ीसा एग्जाम के। तो फ्रेंड्स, आज हमें जनरल साइंस ला मैंने जनरल साइंस रो मोस्ट इम्पोर्टेंट 25टा प्रश्न ये भिडियो आज हम डिस्कस करवा जोटा कि आप आसूबा LSI लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्ट गार्ड एवं फॉरेस्टर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हम है। तो भिडियो शेष पर्यटन निश्चय देखते। तो चलो भिडियो को स्टार्ट करवा आज प्रथम प्रश्न। तो आज प्रथम प्रश्न हमारे क्वेश्चन 1, डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर, मैंने डेसिबल हूँ कहार यूनिट मतलब बा कहार एकक, स्पीड ऑफ लाइट, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड रो इंटेंसिटी ना इंटेंसिटी ऑफ हीट। तो राइट आंसर कौटा? तो राइट आंसर हूँ आम इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड रो यूनिट बा एकक हूँ डेसिबल है, यह मन रखे। नेक्स्ट है आम न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, मैंने न्यूटन कहार एकक अटे, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी ना वेलोसिटी। तो सठिक उत्तर हूँ आम कौन ना फोर्स है, फोर्स, फोर्स बा बल, बल एकक हूँ न्यूटन। न्यूटन रो सिंबल कौन एन है। तो न्यूटन कहार यूनिट अटे फोर्स रो। नेक्स्ट है आम द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, मान वायु अम्लजान परिमाण प्रतिशत केते प्रतिशत अम्लजान अच्छी वायु है, 44%, 23% ना 40 ना 21%। तो राइट आंसर हूँ आम 21% अच्छी है, कत प्रतिशत अच्छी सरी यहाँ रंगली हो जाए। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हूँ 21%। ओके, नेक्स्ट है आमर व्हाट आर मेटल बियरिंग रॉक्स कॉल्ड, माने जो पत्थर रे हला मेटल बा कौन खणी बा धातु थाए हला, जो पत्थर रे धातु थाए सेटा को आमे कौन बोली कहू, बिटुमेन, बॉक्साइट, मेटालॉयड्स ना ओस। तो राइट आंसर हमरो कौन? तो राइट आंसर हो जी हमरो ओस हला, ताको आमे कौन कहि थाउ, ओर बोली कहि थाउ हला, माने जो पत्थर रे हला बा जो रॉक्स रे मेटल थाए बा धातु रही थाए ताको आमे ओर बोली कहू, कौन कहू, ओर हला। नेक्स्ट है आम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द एब्सोल्यूट, व्हिच इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, मैंने कौटा हूँ गोटे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, मैंने तापमात्रार गोटे एब्सोल्यूट स्केल अटे, केल्विन, फारेनहाइट, सेल्सियस ना ये तीनो जाक है। तो राइट आंसर हूँ आम कौन केल्विन, आम है टेम्परेचर मापापी आम केल्विन को गोटे एब्सोल्यूट स्केल हिसाब से आम नहीं था है, केल्विन रो सिंबल हूँ के। नेक्स्ट है आम व्हिच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन, माने सूर्य सूर्यों ठार जो आसूबा अति बैगणी रश्मि बा अति है हार्मफुल रेजटा है, किए आम को रक्षा कैर ताठार का से जो अति बैगणी रश्मि जो सूर्य ठार आसे पृथ्वी को है, कौ लेयरटा पृथ्वी के स्तरटा आम को प्रोटेक्ट कै है, आयोनोस्फीयर, ओजोन लेयर, ट्रोपोस्फीयर ना मैग्नेटोस्फीयर। तो राइट आंसर हूँ आम ओजोन लेयर है, ओजोन स्तरटा आमको सूर्य ठारु आसुवा अति बैगुणी रश्मि ठीक आमको प्रोटेक्ट कर रक्षा कर। नेक्स्ट है आमर नॉइज पोल्यूशन मेजर इन, मान शब्द प्रदूषण है, शब्द प्रदूषण को कौ थे माप करा जाए, फोन, डेसी, डेसिबेल ना डेसिमल। तो राइट आंसर हूँ आम कौ थे ना डेसिबेल है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आम देखी जे है साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड रो यूनिट हूँ डेसिबल है। तो ये भी नॉइज पोल्यूशन, नॉइज मान शब्द प्रदूषण है, तो सहीटा कौन थे मपा जाए ना डेसिबल। नेक्स्ट है आमर द वास्ट रिसोर्सेस ऑफ अनयूटिलाइज्ड नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, मान द वास्ट रिसोर्स मान जो नेचुरल गैस रहा प्राकृतिक गैस रहा जो बड़ परिमाणटा है जोटा कि आम अनयूटिलाइज कर मानने व्यवहार एपर्त करना ताको आम कहार उत्पादन में व्यवहार करीपरिया, कार्बाइड, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक पेट्रोलियम ना ग्राफाइट। तो राइट आंसर हूँ आम कहार ना फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मान कौन ना सार, सार रो उत्पादन में आम ताको व्यवहार करीपरिया है। तो राइट आंसर हूँ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है आमर पेपर इज मैन्युफैक्चर बाय, मान पेपरटा कहा द्वारा तैयारी होता है, वुड एंड रेसिन्स काठ एवं रेसिन द्वारा, वुड काठ, सोडियम ना ब्लीचिंग पाउडर द्वारा ना, वुड कैल्शियम हाइड्रोजन ना हाइड्रोजन सल्फाइड एवं रेसिन को मिसेकी ना, वुड एवं ब्लीचिंग पाउडर।
तो राइट आंसर कौटा, तो राइट आंसर हूँ आमर उड है काठ है काठ कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड एवं रेसिन को मिसेकी आम पेपर या। नेक्स्ट है आमर जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट क्लिंकर टू मैंने जिप्समटा सीमेंट को सीमेंट रे मिसा जाए कहीं मिसा जाए तार सठिक उत्तरटा हूँ आमर डिक्रीज द रेट अफ सेटिंग अफ सीमेंट है सीमेंट रो सेटिंगटा को सेटिंग रेटा को है कम करने आम जिप्सम को कौती सीमेंट रे कौन एड कर मिसई था हला? तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आमर सोप इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ डैश माने सोप बा साबुनटा सोडियम सॉल्ट किंवा कहार सोडियम सॉल्ट किंवा पोटासियम सॉल्ट रो कौन अटे है कहार सोडियम एवं पोटासियम सॉल्ट रो मिश्रण साबुन अटे है ट्रिकार्बोजिलिक एसिड ग्लाइसेरल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स ना डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स तो राइट आंसर हूँ आमर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स है जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स रो सोडियम सॉल्ट किंबा पोटासियम सॉल्ट रो मिक्सचर को आम साबुन बोली कहूँ। नेक्स्ट है आमर बा साबुन तैयारी होता है द टाइप अफ ग्लास इज यूज इन मेकिंग लेंसेस एंड प्रिजम्स इज माने लेंस एवं प्रिजम तैयारी करने कौ प्रकार ग्लास बा कौ प्रकार काच को आम व्यवहार करना ग्लास सॉफ्ट ग्लास फ्लिंट ग्लास ना पाइरेक्स पाइरेक्स ग्लास तो राइट आंसर हूँ आमर फ्लिंट ग्लास है आम फ्लिंट ग्लास को लेंस एवं प्रिजम बनवाप प्रिजम बनवाप आम तैयारी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर हुच इज द पेट्रोलियम वाक्स मैंने कौटा गोटे पेट्रोलियम वाक्स अटे बीज वाक्स कार्नाबुआ वाक्स जेनोवा वाक्स ना पाराफिन वाक्स तो राइट आंसर हूँ आमर ऑप्शन फोर है मैंने पाराफिन वाक्सटा हूँ गोटे पेट्रोलियम वाक्स मानने पाराफिन वाक्सटा पेट्रोलियम ठारू बाहरी थे तैयारी होता है। ओके नेक्स्ट है आमर व्हाट कॉज ए मूविंग बॉडी टू रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट और मोशन मान मोशन मान गति है व्हाट कॉज ए मूविंग बॉडी मैंने गोटे मूव करुवा गोटे बॉडीटा है तार जो गति है जो तार गति होता है तार से गति को है रेसीस्ट करेसीस्ट रेसीस्ट मैंने कौन से गति को अटकई परिवर्तन बा चेंज हो पाए सेटा क्यों कारण जो यहाँ होता है वेलोसिटी इनर्सिया एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट तो राइट आंसर हूँ आमर इनर्सिया है इनर्सिया जो गोटे गति कर गोटे गति बॉडीटा है तार अवस्था को चेंज कर पाए गोटे मूविंग बॉडीटा क्या जो इनर्सिया जो। नेक्स्ट है आमर बैक टू विलेज स्लोगन वाज गिवन बाय माने गाँ को फेरी जाओ ये स्लोगनटा किए दे लेनिन पटेल नेहरू ना माओ तो राइट आंसर हूँ आमर यहाँ माओ दे हला। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर एड्स एड्स फुल फॉर्म कौन ना एडेड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हला तो यहाँ कहा द्वारा होता है बैक्टीरिया वायरस फंगस ना हेलमिंथ तो राइट आंसर हूँ आमर यहाँ वायरस बा भूताणु जनित रोग अटे है वायरस द्वारा एड्सटा होता है कौ वायरस एच आई वी वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट है आमर व्हिच स्कीम्स इज लॉन्च्ड फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन माने स्कूल जाऊथवा छुआंक पई कौ स्कीमटा लॉन्च करा जायछि आयुष सर्वशिक्षा अभियान मिड डे मिल ना लोक जुम्बिस तो राइट आंसर हूँ आमर मिड डे मिल जहाँ को आम कौ मध्यान भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई चीज़ प्रोटीन मैंने कौटा गोटे प्रोटीन अटे नेचुरल रबर स्टार्च सेल्युलोज ना कौन से टी नुहे तो राइट आंसर हूँ आमर नेचुरल रबर है मैंने प्राकृतिक रबर हूँ गोटे प्रकार कौन प्रोटीन अटे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आमर ग्लास इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मैंने ग्लासटा कहा कहा मिश्रण से तैयारी होता है ग्लास बा काच क्वार्ट्ज एवं माइका सैंड एंड सिलिकेट्स सॉल्ट एंड क्वार्ट्ज ना सैंड एंड सॉल्ट तो राइट आंसर हूँ आमर सैंड एंड सिलिकेट्स मैंने बाली एवं सिलिकेट द्वारा सिलिकेट मिश्रण से ग्लास बा काच तैयारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर डीप ब्लू कलर इज इम्पार्टेड टू ग्लास बाय द प्रेजेंस ऑफ माने जो काचर जो रंगटा आम मन कर डीप ब्लू कलर जब करार अच्छे से ग्लास
कहार मिश्रण करने को हेबो आयरन ऑक्साइड कोबाल्ट ऑक्साइड निकेल ऑक्साइड ना क्यूप्रिक ऑक्साइड तो राइट आंसर होची हमर कोबाल्ट ऑक्साइड को सही थरे मिसा जीव हला तस्ता जो यदि से ग्लास यदि कोबाल्ट ऑक्साइड यदि मिश्रण करा जीव ताले सेटा डीप ब्लू कलर हबो। नेक्स्ट हला हमर इन वल्कनाइजेशन हला इन वल्कनाइजेशन नेचुरल रबर यूज हीटेड विथ माने जिते बेले नेचुरल रबर रो वल्कनाइजेशन करा जाए सेते बेले नेचुरल रबर को कहा सहित गरम करा जाए फास्फोरस सल्फर सिलिकॉन ना कार्बन तो राइट आंसर होची सल्फर सल्फर सहित बा गंधकामल सहित आमे नेचुरल रबर को हीट बा गरम करी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हाउ डज कॉमन सॉल्ट हेल्प इन सेपरेटिंग सोप फ्रॉम द सॉल्यूशन आफ्टर सेपोनिफिकेशन माने सेपोनिफिकेशन सेपोनिफिकेशन माने सोप बने तैयार करबार प्रणाली हैला सेपोनिफिकेशन परे हैला सोप वा साबुन को केमिति कॉमन सॉल्ट वा साधारण लुण ठारु हैला ना ना सेपोनिफिकेशन प्रणाली ठारु केमिति साबुन को अलगा करिवारे कॉमन सॉल्ट वा साधारण लुण सहाय्य करिथाय हैला को भलिया सहाय्य करिथाय तो राइट आंसर होची हमर बाय डिक्रीजिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सोप माने साबुन रो सोल्युबिलिटी टियाकु हैला कम बा ह्रास करै कि हैला साधारण लुणटा सोप को वा साबुन को सोपोनिफिकेशन प्रणाली वा सॉल्यूशन थारु अलगा करि थाए हैला काको साबुन रो सोल्युबिलिटी टाकु कम करै कि ह्रास करै कि हैला। नेक्स्ट हला हमर व्हाट आर द सोप्स माने सोप बा साबुनटा कोन का का मिश्रण रे होई थाए तो प्रीवियस गुड क्वेश्चन रे करथले तो राइट आंसर हिबो हमर ऑप्शन सी सोडियम पोटासियम हला रो हेवियर फैटी एसिड टा होची साबुन। नेक्स्ट हला हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द मेजर हला द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर माने लेदर रो हला लेदर रो जो चमड़ा आछी हला तारो मुख्य इंग्रेडिएंट टा कोन तो राइट आंसर होची कोलाजन हला कोलाजन माने लेदर टा बहुत जीव मन को चमड़ा ये मन करु आसी थाय हला तो सेते था कोलाजन थाय हला तो कोलाजन होची लेदर रो गुटी मुख्य कोन इंग्रेडिएंट हला बा उपादान। नेक्स्ट ला वाज रो लास्ट क्वेश्चन होची रेयन इज केमिकली माने रेयन टा हला रासायनिक भाबरे गुटी कोन अट एमाइलेज ग्लूकोज पेक्टिन ना सेल्युलोज तो राइट आंसर होची हमरो कोन ना रेयनटा होची गुटे सेल्युलोज हला रेयनटा हला रासायनिक भाबरे गुटे कोन अटे सेल्युलोज अटे। आशा करछि भिडियोटी आपन मानकर अपकमिंग एग्जाम्स रे हला एलएसआई एफजी फॉरेस्ट गार्ड एवं फॉरेस्टर पे मोस्ट इंपोर्टेंट हबो बहुत हेल्पफुल हबो बोली मोर आशा। ओके थैंक यू।